चेयर्स खाली है, बैठ जाइए। मोबाइल का लाइट आप लोग ऑफ कर दीजिए। मोबाइल का लाइट आप लोग ऑफ कर दीजिए। मोबाइल का लाइट प्लीज ऑफ कर दीजिए। ये दिन का आकाश है, आज के दिन का दोपहर के बाद का, धीरे धीरे सन पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर ग्लोब में देखेंगे तो यह आकाशीय गुंबद है, इसमें सूर्य पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई आपको दे रहा है। गोधूली का ट्रेला है, गोधूली का टस कटाई है, धीरे धीरे शाम का समय और रात का। इस रात के आकाश में अनगिनत स्टार्स, अनगिनत तारे। वैसे तो हम लोग नेकेड आई से, नंगी आंखों से 3000 की संख्या में तारे देख पाते हैं। इतिहास से हजारों साल पहले यह संख्या बहुत ज्यादा थी। आकाश प्रकाश प्रदूषण से फ्री था, किंतु पहले आकाश यदि साफ था तो समस्याएं भी बहुत विकराल थी। आज से हजारों साल पहले जब घना जंगल हुआ करता था, नदी नाला तालाब बड़ी बड़ी झीलें हुआ करती थी, उस समय जीवन यापन करना बहुत ही टफ था। रात दिन के समय दिशा का बोध करना बहुत आसान था, दिशा आसानी से डायरेक्शन पता चल जाता था क्योंकि सूर्य उपस्थित होते थे। किंतु रात के समय आकाश में ये सिर्फ नन्हे से तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते थे। और सबसे बड़ी समस्या नाविकों के लिए थी, क्योंकि नाविकों को रात में नदी पार करना पड़ता था, झील पार करना पड़ता था, और जरा सा भटके की जान से गए। नाविकों को सिर्फ आकाश की रात में आकाश में सिर्फ तारे दिखाई देते थे। कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। उनको जरूरत थी इन तारों से चीजों को जानना समझना। उन्होंने आकाश की तरफ देखना शुरू किया। जब उन्होंने आकाश की तरफ देखना शुरू किया तो उनको बहुत सारी आकृतियां, इन स्टार्स को मिलाने पे बहुत सारी आकृतियां दिखाई देने लगी, जिन्होंने उसका नाम दिया नक्षत्र मंडल, तारा मंडल, या इंग्लिश में कॉन्स्टेलेशन। ये एक इमेजिनरी लाइन द्वारा वो मिलाते गए तो उनको ऐसी चीजें दिखने लगी, और उनके दिमाग में इससे मिलता जुलता आकृति भी दिखने लगा। अगल बगल जो जीव जंतु थे कुछ इससे मिलते जुलते थे, इस तरह से आर्ट उभर कर आया। जो सभ्यता के प्रारंभ में ये 33 था, और इसकी सहायता से नाविक जो है दिशा का बोध कर लेते थे। इवन धीरे धीरे समय के साथ वो इतना ज्यादा विकसित हो गया कि इसकी सहायता से महीना कैलेंडर, बिना कैलेंडर बिना घड़ी के वो लोग समझ जाते थे कि कौन सा महीना चल रहा है, क्या टाइमिंग है, सब चीजों से। हमारे जैसे बाकी सब सभ्यताएं थी उसी तरह के वैदिक सिस्टम में भी राशियों के बारे में बात होने लगी थी। राशियां आप लोग जानते हैं कि राशियां जुड़ाई का साइन 12 होती है। मैंने एक पीली रेखा ड्रा कर रखी है आसमान में, इसमें आपको दिख रहा है सबसे नीचे लिब्रा राशि, उसके ऊपर स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, एक्वेरियस धनु राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि। ये बारी बारी से ये सारे राशियां पूरब से उदय होती है, पश्चिम अस्त होती है, आपको दिख रहा हो। वैसे तो टोटल 88 है, इन 88 कॉन्स्टेलेशन पे 88 कहानियां है। ये कहानियां इसलिए स्टोरीज इसलिए बनाई गई थी ताकि लोग अपने आने वाली पीढ़ी को बता पाए, कहानियों को याद रखना आसान होता है, इसलिए इसको इसमें कहानियां बनाई गई। आपको मेष राशि दिख रहा है, स्काई में विजिबल होता है, ऐसे इस आर्ट फॉर्म में तो नहीं होता, एक कल्पना है ये मिलता जुलता है, नहीं तो आपको स्टार्स के पैटर्न के रूप में आपको हमेशा दिखाई देगा। आप रात में सूर्यास्त के बाद यदि पूर्व दक्षिण और पश्चिम, ज्यादातर राशियां आपको
पूर्व दक्षिण और पश्चिम की तरफ दिखाई देगी। सोलर सिस्टम में जितने भी आपने स्टार सन के अलावा जो प्लैनेट्स हैं इसी राशियों से होकर गुजरते हैं। देखिए लियो सिंह राशि आपको दिखाई दे रहा, मरकरी, ये सारी राशियां ऐसे करके दिखाई दे रही हैं। मतलब और जो प्लैनेट्स हैं वो आपको इसमें दिखाई देंगे। यदि हम पूरे सिस्टम से स्टार्स को हटा दें तो आपको ऐसे करके प्लैनेट दिखे सन मरकरी। अब अच्छी सबसे अच्छी चीज है समझने वाली, यहाँ सन दिखाई दे रहा है तो आपको प्रकाश माने दूध का उजाला नहीं दिखाई दे रहा, वो नीला आकाश नहीं दिखाई दे रहा, उसके पीछे क्या रीजन है? आपने इस आकाश से वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर को हटा दिया है। यदि एटमॉस्फेयर हम प्रोजेक्ट कर दें तो दूध का आकाश दिखाई देगा, यानी हमारे पृथ्वी का जो वायुमंडल है तो आकाश नीला दिख रहा है आपको। यदि इस वायुमंडल को हम हटा दें तो आकाश आपको अंधेरा युक्त दिखाई देगा। यानी आप चंद्रमा पे जैसे चंद्रमा से देखते हैं, आप फोटो देखने को चंद्रमा का तो उसमें अंधेरा दिखाई देता है, आकाश वहां से देखने पे इस तरह का कुछ इस तरह की चीजें दिखाई देंगी। तो यानी हम जैसे एटमॉस्फेयर बुलाएंगे ऐसा हो जाएगा, यानी जो भी चीजें आपको आकाश का रंग नीला पीला लाल बैंगनी बसंती जो भी दिखाई देता है सिर्फ हमारे वायुमंडल में उपस्थित एटमॉस्फेयर जो वायुमंडल होता है हमारे पृथ्वी में उसके कारण और प्रकाश के टकराने के कारण ऐसा दिखाई देता है। अब आप देखिए यहाँ पे सूर्य के सबसे करीब मरकरी बुध ग्रह है, यहाँ पे आपको मंगल ग्रह भी दिखाई दे रहा है। अब एक चीज और यहाँ पे ऐसे सारे ग्रह जो है अपने पाथ पे धीरे धीरे अपना बदलते रहते हैं, मूवमेंट है इनका और ये अपना फिर से वो चीजों को लाके खड़ा कर दिया। जो अपना एक्चुअल स्काई जो दिखाई देता है कुछ इस तरह का। पूरे सिस्टम को यानी पूरे सिस्टम को यदि हम तेजी से घुमाएं तो आप उत्तर दिशा की तरफ देखेंगे कि ऐसा स्टार है जो अपने जगह पर फिक्स है। उत्तर दिशा की तरफ आपको दिखाई देगा एक ऐसा स्टार है जो अपने जगह पर फिक्स है। मैंने किस एरो बना रखा है वहां पे दिख रहा सबको, इस साइड में है उत्तर दिशा में, ये फिक्स है। मतलब सारा आकाश घूम रहा है, आकाश घूमने का मतलब पृथ्वी घूम रही है, इसलिए आकाश आपका दिख रहा है घूमता होगा। वो एरो जहाँ पॉइंट कर रखा है वो आपका स्टार है जो अपने जगह फिक्स है, इसको बोलते हैं पोल स्टार, पोलारिस या ध्रुव तारा। और जैसा कि मैंने बताया कि सारी चीजों के बारे में जो है कहानियां है उसी तरह ध्रुव तारे की भी कहानियां है। जो आप कॉन्स्टेलेशन देख रहे थे इसका रोल यदि सिंपल भाषा में समझा जाए जिले में, जैसे आप कहीं रहते हैं तो आप उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के इस मोहल्ला के इस मकान नंबर पर रहते हैं, उसी तरह हमारे आकाश में उपस्थित जितने भी तारामंडल नक्षत्र मंडल है उन सारे नक्षत्र मंडल में जो स्टार है उन सबका नाम है। यदि कोई खगोलीय प्लेट या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमको बताना पड़ता है कि इस कॉन्स्टेलेशन में इस स्टार से इतने डिग्री के एंगल पे है। तो हमारा घर बताने का जो तरीका है जिसको हम बोलते हैं रोड मैप, या बोलते हैं क्या रोड मैप दे दीजिए, उसी तरह यदि खगोलीय प्लेट या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को बताना है थोड़ा स्लो कर दीजिएगा। सेलेस्टियल प्लेट को बताना है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को बताना है, आपको बताना पड़ेगा इस कॉन्स्टेलेशन के इस जगह पे, यानी ये जो चीजें आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं स्काई मैप। ये टोटल जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्काई मैप। कॉन्स्टेलेशन क्षेत्रमंडल या तारामंडल टोटल आज के डेट में 28 है और इन्हीं की सहायता से हम सब कुछ देख पाते हैं समझ पाते हैं। ये थोड़ा सा आकाश का इंट्रोडक्शन था ताकि इसको आप लोग समझ पाए। प्रकाश प्रदूषण के कारण ये चीजें अब विजिबल कम हो गई हैं, तो आप लोग इसको जहां तक हो पाए बच्चों को बताइए दिखाइए उनके काम आए।